कलेक्ट्रेट परिसर में विधानसभा चुनाव के लिए चल रहे नामांकन के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि नामांकन को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद पुलिस के साथ पीएससी की अलग से एक कंपनी लगाई गई है और कलेक्ट्रेट के बाहर बैरियर पॉइंट पर इंस्पेक्टर और सीओ की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट में जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है, जिससे किसी प्रत्याशी को किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में गोरखपुर शहर विधानसभा से निर्दल राम विरिच, सर्वर पार्टी से सरवल अली, कैंपियरगंज विधानसभा से भारतीय एकलव्य पार्टी से मुनीब, पिपराइच से लोकप्रिय समाज पार्टी चौरी चौरा निर्दल राकेश, चिल्लूपार भाजपा से राजेश त्रिपाठी, चिल्लूपार बसपा से राजेंद्र सिंह, खजनी से समाजवादी पार्टी से रूपावती, सजनवा से भाजपा से प्रदीप शुक्ला, निर्दल सुरजीत सिंह, विजय आनंद उपाध्याय ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसी प्रकार गोरखपुर शहर विधानसभा में 10, गोरखपुर ग्रामीण में 2, चौरी चौरा 4, पिपराइच में 10, खजनी में 4, सजनवा में 9, कैंपियरगंज में 2, बांसगांव में 3, चिल्लूपार में 4, कुल 48 पर्चे लिए गए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, इधर के इधर इधर पीछे पीछे सर, नामांकन में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था? देखिए, नामांकन के लिए जो व्यवस्था बनाई गई थी उसे कंटिन्यू किया गया, पर इसके अतिरिक्त हम लोगों ने यहाँ पीएससी की एक कंपनी अलग से लगाई है और नए बैरियर पॉइंट्स पे भी कुछ फोर्स लगाई गई है, और जिस तरह से डेली व्यवस्था चल रही है वही व्यवस्था कंटिन्यू की जा रही है। सीओज और एसएचओज लगाए गए हैं, और इसमें इसके अतिरिक्त जो एडीएमएफआर हैं उनसे बैरिकेडिंग के लिए अनुरोध किया गया था, वो बैरिकेडिंग भी अलग से हम लोग करा रहे हैं। सर, बाहर से भी फोर्स लगाई? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर लगी है एक कंपनी पीएससी अतिरिक्त हमने आज यहाँ डिप्लॉय की है, और उसको बिल्कुल सुदृढ़ व्यवस्था बनाई गई है ताकि कोई भी इसको भेद न सके।